नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। इंदौर में MIG थाने में पुलिस ने अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए आधे घंटे में एक अज्ञात महिला को सकुशल अपने घर पहुंचाया। देखिए क्या है पूरा मामला। जानकारी के अनुसार वह महिला अनूपनगर में गार्डन के पास बुर्का पहनी हुई दिखाई दी थी। महिला कभी बुर्का पहनती और कभी हटा देती। अजीब अजीब हरकतें देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने इसकी थाने में शिकायत की। मैं मुनर्षा व्यास, अखबार जगत से। सर, जैसा कि हमें पता पड़ा है कि आपके थाना क्षेत्र में एक महिला, अज्ञात महिला मिली है, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? अभी जानकारी मिली थी कि श्रीनगर अनूपनगर में एक गार्डन के पास एक महिला बुर्का पहने बैठी हुई है, फिर कहीं बुर्का अलग कर लेती है। कुछ महिलाओं ने उसको देखा तो बैग में कैंची, छोटे चाकू, कुछ मतलब घर की चीज़ें, ऑफिस चीज़ें रखी मिली अटाला टाइप की, और कहीं कुछ बोलती कभी कुछ बोलती कभी नहीं, हंसने लगती, तो लगा कि विक्षिप्त है कि क्या है, कि नाटक कर रही है। तो फिर हमने उसको बुलवाया, पूछताछ की, तो हमारे सब इंस्पेक्टर सीमा शर्मा ने बातचीत उससे की, तो उसने अपना घर बताया ताजबाग में, खजराना क्षेत्र में। उसको उसके घर भेजा तो उसके मामा लोग वहाँ पर मिले, उन्होंने बताया कि इसकी शादी हुई थी देवास में पहले, पति करंट लगे ख़त्म हो गए हैं, दो बच्चे हैं, लेकिन तब से कुछ डिस्टर्ब है। तो पहले इन लोगों ने बाणगंगा में एडमिट भी किया, कल रात में उनके घर रुकी थी, सुबह भाई के यहाँ जा रही थी, गाड़ी से उतर गई। तो फिर हमने उनके सुपुर्द किया है और सलाह दी है कि इस पर आप नज़र रखो या इसको बाणगंगा फिर से एडमिट कराओ। तो घर वालों को सुपुर्द कर दिया है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, चूँकि महिला की उम्र 30-32 साल है, कई घटनाएं ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो घटना महिला घटना का शिकार भी ना हो और कि पागलपन में कोई ऐसी घटना भी ना कर दे, इसलिए हमने प्रयास करके उसको घर वालों को सुपुर्द कर दिया है। अब महिला सुरक्षित घर में पहुंच गई है, तो मोहल्ले वाले भी कई बार भ्रांति बनती है कि महिला आई है, पता नहीं कहाँ की है, क्या है, घूम रही है, बच्चे छोटे घूम रहे हैं, चोरी करने तो नहीं आई, कोई गैंग तो नहीं है, तो एक भ्रांति भी दूर हुई और महिला को उसका सही ठिकाना मिल गया, नहीं तो वो भटकती रहती। तो ये किए हमने उसको किया है। मैं TI इंद्रेश त्रिपाठी, MIG TI हूँ। इस प्रकार महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम काफी प्रशंसनीय है। रिपोर्ट, अखबार जगत।